हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बताने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है वेड एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। यहाँ पर देखिए, मैंने वेड स्टेटस एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे आकर देखेंगे तो वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, फिर एक और बीचों बीच क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है लॉग इन, क्योंकि मैंने अभी लॉग इन नहीं किया है। तो अभी आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फेसबुक और गूगल। तो मैं अभी गूगल का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मैंने एक जीमेल आईडी से, आप कोई भी जीमेल आईडी से यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक जीमेल आईडी सिलेक्ट की, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वीडियो बन के कम्प्लीट, यानी कि हमारी जो आईडी है वो बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कोई पोस्ट, अभी एक छोटी सी पोस्ट की थी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो एल्बम वो देख सकते हैं, फॉलोअर फॉलोइंग देख सकते हैं, मेरी ये आईडी इस एप्लीकेशन की देख सकते हैं। अगर आपको इसकी आईडी चेंज करनी तो वो आप यहां पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहां आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप यहां से कर सकते हैं। मुझे यूज़र नेम, जैसे मैं अपना डाल लेता हूं, यहां पर मैंने अपना यूज़र नेम ये है यहां पर सिलेक्ट किया, और यहां पर मैंने इसे सेव कर दिया। तो अभी ये बता रहा है कि ये जो मैंने यूज़र नेम डाला था वो पहले से ही ऑलरेडी किसी बंदे का है, तो मुझे कुछ यूनिक सा बनाना होगा। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर जेंडर, बर्थडे, बायो वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बेल टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे हम नोटिफिकेशन बेल भी कहते हैं। फिर यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। फिर देखिए इफेक्ट है, फीडबैक है, फिर ये पॉलिसी वगैरह, और लॉग आउट आपको करना है तो कर सकते हैं, और आप यहाँ से लैंग्वेज वगैरह देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं बैक। फ्रेंड्स, आप इस टाइप से समझ गए होंगे कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आईडी कैसे बनानी, क्योंकि बहुत छोटी और सिंपल प्रोसेस थी, तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, वो भी रोज़ाना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।